एक फेक न्यूज कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, मणिपुर की घटना उसका जीता जागता सबूत है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे मणिपुर का वही फेक न्यूज जिसका बदला लेने के लिए गैंग रेप और बर्बरता को अंजाम दे दिया गया। जहां मणिपुर में 4 मई को कांगपोपी में बी फाइन नाम गांव पर अचानक हमला हो गया। हमला करने वाले लोगों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। इस हमले के बाद कुकी समुदाय के 2 पुरुष और 3 महिलाओं को हमलावरों ने ढूंढकर पकड़ लिया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को हमलावरों के चंगुल से छुड़ा लिया। जब पुलिस उन लोगों को थाने ले जाने लगी तो भीड़ ने एक बार फिर पुलिस वालों को घेर कर महिलाओं को उनसे छीन लिया और उसके बाद महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना की शुरुआत एक फेक न्यूज से हुई थी। मणिपुर में एक फोटो वायरल किया गया था जो आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फोटो सही से हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि फोटो यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से पूरा नहीं दिखाया जा सकता है। बता दें, इस फोटो की वजह से एक समुदाय इतना भड़क गया कि देखते ही देखते इस हिंसा की आग को पूरे मणिपुर में फैला दिया गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें इन दोनों समुदाय के बारे में जानना होगा। चलिए आपको बारी बारी करके इन दोनों समुदाय के बारे में बताते हैं। मणिपुर में मैतई और कुकी जनजाति के लोगों के बीच ST दर्जे को लेकर लड़ाई चल रही है। मैतई समाज की मांग है कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। इसके लिए 3 मई को आदिवासी एकता मार्च भी निकाला गया था जो मैतई समाज के ST दर्जे के विरोध में था। ऐसे में मैतई समाज इस एकता मार्च के खिलाफ खड़ा हो गया और देखते ही देखते मैतई, कुकी और नगा समुदाय के बीच हिंसक झड़प की शुरुआत हो गई। रेप की अफवाहों ने मैतई समाज को भड़का दिया। जानकारी मिल रही है कि मणिपुर में एक महिला के शव की तस्वीरें वायरल हुई थी। बताया गया था कि ये तस्वीर मैतई समुदाय के एक महिला की ही है जिसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। इसका आरोप कुकी समुदाय के लोगों पर लगाया गया था। इस फेक न्यूज के फैलते ही मैतई समुदाय के लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। इसके बाद 4 मई को हमलावर बड़ी संख्या में एक गांव में घुसे और हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो 77 दिन बाद वायरल होने पर हंगामा मच गया। पूरे देश ने इस घटना की निंदा की। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। लेकिन आपको बताएं कि एक फेक न्यूज हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से कई अपने दर्शकों को ये समझाते आते हैं। कई बार हमने ये समझाया है कि किसी भी खबर पर इतनी जल्दी भरोसा मत करिए। खबर की पुष्टि किया करिए और उसके बाद उस खबर को आगे बढ़ाया करिए, क्योंकि आपके द्वारा आगे बढ़ाया हुआ एक खबर किसी भी समुदाय के लिए हिंसक हो सकता है। ऐसे में आपको हमने दिखाया कि कैसे मणिपुर में एक फेक न्यूज ने पूरे मणिपुर के इंसानियत को शर्मसार कर दिया और पूरे भारत के सभ्य समाज को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। इन स्टूडियो से विश्व तिवारी की रिपोर्ट।